एवरीबॉडी. सो गाइस इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू द डाउनटाउन. हमारे पास ये MRT से जा रहे हैं क्योंकि ये टैक्सी और बस सब बहुत महंगी है. MRT हमको मिल जाती है कुछ कितने से 1.5 सेंट से मिल जाती है. हमारा प्लान था साइकिल से जाने का, लेकिन साइकिल से जाने का प्लान बिल्कुल नहीं हो पाया क्योंकि साइकिल के लिए थोड़ा सा सिंगापुर मोबाइल नंबर चाहिए था. पर हम कोशिश करेंगे मरीना पे जाके सिंगापुर मोबाइल नंबर गेट करने की. अभी फिलहाल हम MRT के थ्रू चलते हैं. पहले ऑर्चर्ड लेन मरीना पे हम कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं. मेट्रो में घुसते हैं उसके बाद पता चलेगा कहाँ जाना है हमको. सो लेट्स गो. चलो फौरन मेट्रो का भी मजा ले लेते हैं आज. सरंगन रोड ये तो कहीं और ज़्यादा सिटी स्क्वायर मॉल वगैरह के लिए रास्ता है. ये तो सब वे टाइप हो गया. MRT उधर की साइड है. इट्स सो क्लीन, नॉट लाइक दिल्ली मेट्रो. मास्क लगा गए थे टू बी नोटेड. पब्लिक प्लेस में मास्क बहुत जरूरी है, यहाँ पे मैंडेटरी है एकदम, वरना फुल सिंगापुर बिना मास्क के. तो अभी हम जा रहे हैं फाइनली डाउनटाउन. सबसे पहले जा रहे हैं मर्लिन मेट्रो का, हमारा वेट कर रही है. लेट्स एंटर द मेट्रो. वी आर एट धोबी घाट नाम है इसका. तो हमको जाना है रेफल्स प्लेस. लेट्स गो टू रेफल्स, देन वी विल गो टू द मर्लिन. वी आर नाउ गोइंग आउट टू द मर्लिन. हमने मेट्रो बहुत सही है यहाँ पे, फुल दिल्ली वाला हिसाब है. कोई ना कोई बंदा को मिल जाता कहीं ना कहीं ले जाने के लिए. आंटी हमको मिली हमको आउट लेके. गो टू द एग्जिट एच मर्लिन पार्क. एग्जिट BGH दिस मिस्टर बीन ग्रैब एंड गो. वाओ गाइस थ्री फ्लोरिस्ट. व्हाट टेक द एग्जिट. अब तो मास्क की जरूरत नहीं है. हाँ मास्क तो मेट्रो में चाहिए था बस. हाँ यार इन द डाउन टाउन एरिया. ओ गाइस व्हाट्स द व्यू. मलाइन आई थिंक दिस साइड इस साइड होगा. मलाइन मुझे इतना मालूम है 100% रोड पे था. This view is looking damn amazing. Downtown कितना तगड़ा बना रखा है इन्होंने. तो अभी हम मर्लिन ढूंढ रहे हैं. यहाँ से कुछ 10 मिनट की वॉक है मर्लिन की. चलो लेट्स गो. कौन सा होटल है? पहले मेन रोड पे आ जाओ और ये टू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिंगापुर. एंड गाइस इट्स लुकिंग मरीना पे पूरा अलग से दिखता है, पूरा चमकता ही. गाइस इट्स लुकिंग डैम अमेजिंग. और पास जाते जाते बहुत बढ़िया बढ़िया लगेगा. कितनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना रखी है. कमाल कमाल ज्यादा बड़ी बड़ी है. इधर रोड इज द फुलरटन होटल, वन ऑफ द 5-star होटल. और उसके अलावा उसके आगे तक कोई ऊपर स्टार नहीं है. वो भी देखो, वो भी पूरे डाउनटाउन का व्यू है. साइकिल यहाँ पड़ी तो है. साइकिल्स यहाँ पड़ी है. सो गाइस लेट्स क्रॉस द रोड. गाइस हम मर्लिन पहुँच चुके हैं. हो गया. वी आर नाउ एंटरिंग मर्लिन. ओके गाइस दिस इज अमेजिंग, डैम अमेजिंग, बहुत तगड़ा. हाँ यहाँ पे तो मजा आएगा. वो आगे आगे वो इधर है, उधर की साइड है वो आप पे मर्लिन. हाँ वोरा वोरा वोरा. सो गाइस हम मर्लिन वाले एरिया पे पहुँच चुके हैं. वहाँ से हमारे सब बंदे आ रहे हैं. वोरा मर्लिन मिल गया. अभी मर्लिन खाली पड़ा, वरना थोड़े टाइम बाद पूरा भर जाएगा. तो ये सिंगापुर का सबसे मेन स्पॉट है. जो भी सिंगापुर आता है वो यहाँ जरूर आता है फोटो खिंचाने. और यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे ये वाला भी बोलता है मर्लिन के पास मरीना बे सैंड्स. ये क्या चीज़ है ये वाली, वही लोटस की क्या चीज़ है समझ में नहीं आ रहा. मर्लिन द मरमेड और लायन को मिलकर बना हुआ है ये. बहुत मर्लिन एंड मर्लिन से बिल्कुल सीधा वो व्यू आता है मरीना बे सैंड्स का. कोई कोई यहाँ पे क्यों ना है, पूरी फुल रश रहती है हर समय यहाँ पे. एंड दे आर मेकिंग व्लॉग्स. एंड वहाँ पे है द सिंगापुर हाई गुन फोटो गुन मर्लिन. एंड ये अमेजिंग लुकिंग व्यू गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे. ये बहुत ही तगड़ा था, हमने यहाँ पे बहुत सारी फोटो खींची. अब किधर चलें, चलें फॉरन की
फॉरनर्स यहाँ पे दो तीन थे, उन्होंने उनको साइकिल दे दी थोड़ी देर के लिए फोटोज के लिए, तो हम वो साइकिल चला रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। ले जाओ आप ये वाली, ले जाओ, इसमें सामान लगता हुआ उनका सामान लेके गया मुझे वो स्माइल स्माइल करते रह गए। मच फॉर द बाइसाइकिल्स या ना, पे नहीं जा रहे हैं, बुरा हो गया हमारे साथ, सैड हो गया गाइस। मोस्ट बर्ग हम रात को आएंगे मरीना बेस, अभी उनको स्पेशल जगह जाना है कहीं, तो अभी हम वापस होटल जा रहे हैं उसके लिए। लोगो फॉर सिंगापुर सीरीज विद दिस व्यू, लास्ट लोग ही होने वाला है बिकॉज कल हमारी इंडिया की सुबह सुबह की फ्लाइट है, कल सुबह हम फ्लाइट पकड़ेंगे और ये लास्ट लोग होने वाला है बिकॉज ये हम लास्ट लोकेशन एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं द गार्डन्स बाय द बे, तो सो बहुत ही तगड़ी लोकेशन है, पूरा सिंगापुर डायनाटाउन का व्यू आता है एक तो, और ऊपर से बहुत तगड़ा गार्डन बना रखा, मतलब बहुत ही बड़ा गार्डन है, आपको सब दिखाते हैं वो, वहाँ पर एक शो भी होता है, म्यूजिक गार्डन शायद कोई शो होता है, हम वो सब दिखाएंगे आपको। सब कुछ अपना जैसे होता है, पार्किंग में ही छोड़ सकते हैं। गार्डन्स बाय द बे, बे साउथ, लेट्स गेट इन, चलो भाई चलो। दैट्स द एंट्री ऑफ द गार्डन्स बाय द बे, कुछ बना तो हुआ है वहाँ पे। ओह द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द गार्डन्स बाय द बे, तो गाइस वी आर इनसाइड द गार्डन्स बाय द बे। ये 3, 4, 5, 6 बहुत सारे हो गए हैं और सामने मरीना बे एंड ये बहुत सारे पिलर्स हैं, अब देखते हैं कौन से वाले में जा रहे हैं। इसमें कुछ 3-4 पिलर होते हैं, अलग अलग कुछ होते हैं सबके, तो देखते हैं कौन से वाले में जाते हैं। गाइस ये पिकॉक वगैरह कुछ इससे बना रखा डिज़ाइन, वो कुछ ऐसे ये बना रखा है, यहाँ पे बिल्कुल डिज़ाइन है और ऊपर ये गार्डन बाय द बे का टावर, बड़ा मस्त थीम सा कुछ बना रखा है, ये बढ़िया लग रहा है ये। इस लुकिंग गुड, पिकॉक बर्ड ऐसे वहाँ तक जा रहा है ये चुप करके। इट्स लुकिंग सो मच प्रिटी, ये वाले ये डिज़ाइन से, और ये तो गलत है स्टार्टिंग के पिलर्स है, ये आगे अंदर असली पिलर्स भी हैं वो बहुत सारे, उसके अंदर शो होते हैं। फोटोग्राफी के लिए एरिया बना रखा है, वहाँ पे है गोल्डन गार्डन, गोल्डन गार्डन अभी नहीं जाते, अब हम जाते हैं हमारे मेन एरिया की तरफ जहाँ पे शो वो होते हैं। ये है वे अंदर के लिए, फ्लावर डोम, क्लाउड फॉरेस्ट, क्लाउड फॉरेस्ट बहुत बढ़िया होगा गाइस मुझे पता है, और सुपर ट्री ग्रोव, तीन तीन होते हैं ना क्लाउड फॉरेस्ट। और तो बस फोटोग्राफी एरिया था, वो बस खम्भे ऐसे बना रखे थे, अंदर भी फोटोग्राफी अगर है तो कुछ थोड़ा बहुत तो बढ़िया होगा, लेट्स चेक इट आउट। इट्स एरिया ये रहा और क्लाउड ट्री क्लाउड फॉरेस्ट ये रहा, फ्लावर डोम आगे जाके हैं और बे फ्रंट एम आर टी भी है यहाँ पे, मतलब मेट्रो से भी आ सकते हो आप, और क्लाउड फॉरेस्ट इसकी है एंट्री ऑफ फ्लावर डोम की। लेट्स वी गो टू एंटर फ्लावर डोम, हेलो गाइस, दिस इज लिट अमेजिंग गाइस, हर तरह के पौधे हैं यहाँ पे और बहुत सारे पौधे हैं, इसका नाम है फ्लावर डोम। ओ गाइस That's amazing. Now that's something amazing. ये हमारे फोटोग्राफर और गाइस पूरा फुल चिल हुआ पड़ा ये एरिया, पूरे एसीज से पूरा एरिया में चिल कर रखा है, पूरा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट टाइप बना रखा है पौधों के लिए, ये भी बहुत बढ़िया बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। दिस इज द ऑस्ट्रेलियन गार्डन गाइस एंड दिस इज कैंथोरिया ग्लोशा ग्रास ट्री ई ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया के थ्रू हो गए ग्लास ट्रीज हैं, ग्रास ट्रीज सॉरी, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलियन गार्डन, ऐसे बहुत सारे गार्डन्स हो गए यहाँ पे। रूट मैप कैलिफोर्नियन ऑलिव साउथ अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन गार्डन, यहाँ पे भी हैं, यू आर हेयर, हाँ यार वी आर हेयर, हमें इधर सेंट्री करिए ऑस्ट्रेलियन गार्डन, साउथ अमेरिकन साउथ अफ्रीकन कैलिफोर्नियन ऑलिव ग्रोव मेडिटेरियन फ्लावर गेट द बावट्स एक्सिट, दिस इज अमेजिंग, बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे, ये देखो। लेट्स गो इटिन, फोटो खींच लिया यहाँ पे, तो एमरजेंसी एग्जिट भी आ गया यहाँ पे। ओके तो गाइस यहाँ पे सबसे बढ़िया बात यही है, ये कौन है, चलो फ्लावर गेट डाउन साइड एंड हम ऊपर जा रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेट्स चेक इट आउट, दिस इज मंकी पजल ट्री एराक्यूआरिया एराक्यूआना। ये देखो गाइस, दिस इज मंकी पजल ट्री। सो गाइस व्हाट इज दिस, लेट्स चेक इट आउट गाइस, दिस इज पुया। If you wish to hear more about the South American garden, और साउथ अमेरिकन गार्डन में ये वाले सारे पौधे हैं, मतलब ये साउथ अमेरिका से होंगे ये वाले पौधे, तो ये साउथ अमेरिकन है। आपको अगर आवाज़ भी सुननी है तो आप यहाँ पे ये वाला QR कोड स्कैन कर सकते हो, अब क्लियर तो है, आप स्कैन हो जाएगा। तो गाइस दिस इज़ द मेडिटेरियन गार्डन, यहाँ पे ये वाले पौधे हैं, मतलब ये वाले प्लांट्स हैं और बहुत सारे पौधे हैं, मतलब पूरे मेडिटेरियन के पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे अपसाइड भी कुछ है, अपसाइड भी अभी जाते हैं, पहले आगे जाके देख लेते हैं आगे क्या क्या है। ओके गाइस, सो अभी हमारा पौध लगभग ख़त्म होने वाला है टूर इस वाले का, उसके बाद दूसरे वाले उसमें जाएंगे। एंड पौधे ही पौधे हैं, लग लो बहुत सारे पौधे। अंकल DSLR लेके आए हैं, मस्त वाली फोटोग्राफी कर रहे हैं पौधों की। और आगे तो वे ऊपर जाने का, ऊपर भी कुछ है तो सही। डाउन साइड पर आ गए हैं, डाउन साइड पर ये ऐसे लगा रखे हैं, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कौन सा पौधा कौन सा है और कौन सी एंडेंजर स्पीशीज है, कौन सी फेमस स्पीशीज है। चाइनीज न्यू ईयर का थीम दे रखा है इन्होंने इसको। यही ऐसे हमारा गार्डन ख़त्म हो गया, अब हम जा रहे हैं वे आउट टू द सेकंड गार्डन, देखते हैं सेकंड गार्डन में क्या है। तो गाइस यहाँ पे खुलते ही यहाँ पे माल बेचने का सामान आ गया, माल क्लाउड फॉरेस्ट का रास्ता है वहाँ पे, तो क्लाउड फॉरेस्ट चलते हैं। So guys, this is the cloud forest. We are now entering the cloud forest. Let's check it out. What is this? Camera soft karo. Oh, badi thandi thandi hawa aati hai seedha bas. Okay guys. This is the cloud forest. Hello. Okay. Yeah. This is amazing. Mehradu upar se kudai bahubali bana le. Mehradu. Guys, this is lit. Amazing thing. This is damn amazing. कितना तगड़ा बना रखा है इन्होंने। ये देखो, ये बहुत ही तगड़ी जगह थी, यहाँ पे बहुत मजा आया हमको फोटो खिंचाने में। ये फोटो खिंचाने के लिए मेन बनी हुई है जगह, तो एकदम सेट जगह थी। या बाड़ी ये मी माई ट्राइपॉड। ओ ये क्या हो गया कैमरे में, कैमरा फोक क्यों कर रहा है? इट्स लिट गाइस, लिट्स लिट। ओ पौधा तो कितना बढ़िया है। तो गाइस ये अंदर से कुछ ऐसे बना हुआ है और पूरा फुल चिल्ड है एकदम, गीले होने के बाद तो ठंड लग रही है, ठंड लग दी भाई। ये देखो यहाँ पे ड्रैगन सब भी है बना हुआ। दिस इज द ऑर्चिड हेवन, हेवन पौधे ही पौधे। ऊपर कहने का रास्ता ढूंढते हैं, कहाँ पर से ऊपर चलते हैं। चलो ऊपर चलो, चलो ऊपर, लेट्स गो ऊपर, देखते हैं क्या चीज़ है। ऊपर का से व्यू के लिए है, ज़्यादा कुछ पौधे वौधे नहीं है, भी देखते हैं। गाइस लिफ्ट टू द लॉस्ट वर्ल्ड, हम ऊपर जाने का रास्ता यही है। नाउ इन द लॉस्ट वर्ल्ड, द लॉस्ट वर्ल्ड वे आउट। द माउंटेन गोल्स, गाइस दिस इज द लॉस्ट वर्ल्ड, स्टार्ट योर क्लाइंब टू द लॉस्ट वर्ल्ड। चलो ओके, लॉस्ट वर्ल्ड के लिए भी सीटें चढ़नी पड़ेंगी। So guys, this is the lost world which dedicated on the 7th floor. And this is kind of amazing. I mean looking amazing. Catalaria. Oh guys. Please do not touch. अभी हम सबसे टॉप पे हैं इस चीज़ के और यहाँ पे कुछ ऐसा गार्डन से बनाया हुआ बढ़िया सा, ढूंढते हैं और कोई वे मिलता है तो। लेट्स डू द क्लाउड वॉक, ये कोई फोटो खींच रहा बीच रास्ते में। तो ये है गाइस द क्लाउड वॉक। ओ ये बढ़िया है गाइस, यहाँ पे हमको नीचे का व्यू मिल रहा है। गाइस आओ क्लाउड वॉक के मजे लेते हैं। लेट्स चेक व्हाट, एक नीचे भी है छोटी वाली क्लाउड वॉक, हम सीधा बड़ी वाली पे आ गए। नीचे वाली इतनी बढ़िया नहीं है, ये हमको नीचे लेके, ये तो हमको नीचे लेके जा रही है क्लाउड वॉक से। पहले चलते चलते एकदम नीचे जाएंगे क्या हम?
क्लाउड इस तरीके का पानी भी निकल रहा है, तो यहाँ पे मतलब पौधे को कंजर्व करने के लिए यहाँ पानी ऐसे निकलता है। ये देखो, डोंट बी स्कैर्ड बच्चों, इस लॉस्ट वर्ल्ड में तो लॉस्ट ही हो जाएंगे भाई। गाइस हमको नीचे यहाँ पे आ गए हैं, द क्रिस्टल माउंटेन वे आउट स्ट्रिक्टली फॉर। नीचे कुछ कंस्ट्रक्शन में भी चल रहा है, मतलब कुछ नया नया भी बनाने की कोशिश चल रही है, पूरी बनाते रहते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं क्रिस्टल माउंटेन, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, सब लोग ये तो वाटरफॉल व्यू आ गया गाइस, क्रिस्टल माउंटेन आ गया। यहाँ पे हमको वाटरफॉल व्यू मिलता है पूरा, क्लाउड फॉरेस्ट अवतार द एक्सपीरियंस। अच्छा अवतार कब बना रहे हैं? ओके ये अच्छा, वो अवतार मूवी का प्रमोशन होगा यहाँ पूरा। मूवी आ रही है ना? हाँ अवतार की मूवी दिसंबर में आ रही है, तो पूरा प्रमोशन यहीं पर ही करेंगे मेरे हिसाब से अवतार का। क्या बात यार, थोड़ा लेट आना चाहिए था, मजा आया था यहाँ पे। कोई नहीं, टिल द नेक्स्ट टाइम, ट्री टॉप वॉक गाइस, इट्स लुकिंग डैम अमेजिंग। पानी उड़ता हुआ कितना तगड़ा लग रहा है। We are doing tree top walk. Guys, ये है Crystal Mountains, वो नहीं थे। Oh, ये original है? एक चुरा ले? नहीं। चुरा लिया है। वो पैसे? वो मत नहीं नहीं छेड़े मत छेड़े मत छेड़े। पांच। Oh my god. Guys, रुको यार कितना भी डालूँगा? यार डाल दो पैसे। माउंटेन्स मिल ही गया आखिर। कमिंग सून हर जगह लगा पड़ा है। क्लाउड फॉरेस्ट गैलरी, सीक्रेट गार्डन, सीक्रेट गार्डन अभी खत्म नहीं हुआ है, सीक्रेट गार्डन है गाइस। ओह गाइस दिस इज अमेजिंग। यही था बस सीक्रेट गार्डन, अब हम जा रहे हैं वे आउट, अब हम जाएंगे मेन लोकेशन की तरफ। वो नहीं, सीक्रेट गार्डन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सीक्रेट गार्डन पूरा ऐसे बना हुआ है। ओह ये बढ़िया बना रखा है इन्होंने। गार्डन भी बढ़िया था, मस्त बना रखा है। क्या करेंगे जाके? नाउ मूविंग टू द आवर लास्ट एंड द बेस्ट लोकेशन, द सुपर ट्री ग्रोव। हाँ शो तो कहीं ना कहीं तो होगा। गाइस दिस इज सुपर ट्री ग्रोव और वहाँ पे मेन बैठेंगे हम, तो हमको शो का पूरा भी मिलेगा। यहाँ पे पूरा शो है, हम ऊपर भी जा सकते हैं लेकिन हमने टिकट्स बाय नहीं करी थी, पता नहीं था, तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। और ये गाइस दिस इज लुकिंग क्रेजी, 0.6 में दिखाते हैं। ओ गाइस ये देखो क्रेजी, पीछे देखो मरीना बे का भी पूरा फुल व्यू आ रहा है, पूरा एरिया भर चुका है लोगों से। Is not dangerous to guys, but it is huge, amazing, and just sleep.
has now ended and now we are going out. Dekhne kahan ja rahe hain.